संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से केंद्र सरकार द्वारा किए गए 3 कृषि कानून के खिलाफ आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। इस बंद को 40 संगठनों समेत ट्रांसपोर्ट संगठन द्वारा समर्थन घोषित किया गया। संविधान चौक पर ट्रांसपोर्ट संगठन से जुड़े सभी पदाधिकारी इकट्ठा हुए थे। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। आइए डालते एक नजर। केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानून पारित किया गया, जिनमें से 3 ऐसे कानून हैं जिसका विरोध पूरे देश भर से किसानों द्वारा किया गया है, और वो कानून जो है केंद्र सरकार द्वारा रद्द नहीं किए गए हैं, जिसके चलते आज भारत बंद आंदोलन किया गया है। और उसी के चलते जो शहर के ट्रांसपोर्ट संगठन है उसके द्वारा इस भारत बंद आंदोलन को समर्थन दिया गया है। हमारे साथ है संगठन के पदाधिकारी, हम उनसे जानेंगे कि क्या उनकी समर्थन उन्होंने दिया है, क्या उनका कहना है, क्या बताओ। आज नागपुर शहर के अंदर हम सभी धर्म और सभी वर्ग के लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। जो पिछले एक साल से किसान हमारे दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं, उन्हीं के तरफ से पूरा भारत बंद का ये आह्वान किया गया था, जिसको हमारे नागपुर की गुरुद्वारा कमेटियाँ और जो हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर से समर्थन प्राप्त है। जो पिछले एक साल से हमारे किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं, उनकी मांगें मानी नहीं जा रही हैं। जो काले कानून हैं ये रद्द नहीं किए जा रहे हैं, जिसका आगे और भी तीव्र आंदोलन होने की उम्मीद है। आज हमारे जो पंत प्रधानमंत्री हैं, जो अडानी अंबानी द्वारा स्थापित किए गए हैं, जिनको हम गुलाम प्रधानमंत्री कहते हैं, इनको दिल्ली से लगा हुआ 20-30 किलोमीटर के ऊपर किसान भाई बैठे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इनको अफगानिस्तान और तालिबान दिखता है, वहाँ पर ये हस्तक्षेप चाहते हैं। जो हमारे भाई पिछले एक साल से सर्दी गर्मी बारिश के अंदर बैठे हैं, वो इनको नहीं दिख रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि किसान भाइयों की बात सुनी जाए, उनका दर्द सुना जाए, क्योंकि यहाँ पे हम जितने भी एकत्रित हुए हैं तो हम किसानों के बेटे ही, किसानों का बेटा अगर फौज में है तो पुलिस में भी है, हर वर्ग हर सेक्टर में किसान का बेटा ही स्थापित है। और इस देश को जो अपने लाल बहादुर शास्त्री जी या जय जवान जय किसान का नारा तो आज से 30-40 साल पहले से उन्होंने लगाया था। तो हमारा जो गुलाम प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनको अब यही बोलना है कि जितने भी जल्द से जल्द ये काले कानून हैं इनको वापस लिया जाए, ताकि जो सीमाओं पर हमारे अभी तक 600 के लगभग किसान शहीद हो चुके हैं, ये भी अपने काम धंधे पे अपने खेती बाड़ी में लौटें और देश खुशहाल हो। पीछे में एक 10 ग्राम कोकीन मिली थी, जिसके ऊपर ये जो इन्होंने कुत्ता भौंकने की रख रहा हुआ है, पता नहीं क्या कौन सा अर्नब क्या नाम है उसका, वो बोलता था कि मुझे स्मैक चाहिए, 10 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम की डिमांड करता था कि मुझे भी चाहिए। तो अभी जो उनके आका हैं, जो देश को चला रहे अडानी और अंबानी, उन्हीं के पोर्ट के ऊपर में इतनी बड़ी मात्रा में जखीरा प्राप्त हुआ है, तो ये जितने कुत्ते भौंकने वाले थे इनके मुंह में रोटी का टुकड़ा डल चुका है। ये अभी कुत्ता कोई भी नहीं भौंक रहा, इतनी बड़ी मात्रा जिसको मेरे ख्याल से जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उसकी 21,000 करोड़ की वैल्यू है, इतनी बड़ी खेप प्राप्त होने के बाद भी कोई भी कुत्ता आके कोई भी भौंकने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके मुँह में निवाला दहल चुका है, ऊपर से इनके आकाओं ने इनका मुँह बंद कर दिया है। ना इनको किसान दिख रहे हैं, ना ही इनको हमारे ट्रांसपोर्टर भाई दिख रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा है, इनको सिर्फ अपने धनदाता दिख रहे हैं जो इस देश को चला रहे हैं। गुजराती पैटर्न ये पूरे देश के ऊपर लागू करना चाहते हैं, लेकिन ये काले कानून और इनका ये गुजराती पैटर्न पूरे देश पे लागू नहीं होगा। इसके लिए हम किसानों के साथ हैं और अंत तक हम किसानों के साथ रहेंगे। किसी भी प्रकार की कुर्बानी देनी होगी तो हम किसान भाइयों के साथ में। नमस्कार सभी को, मेरा नमस्कार। आज 10 महीने से हमारे बुज़ुर्ग, हमारी माताएं, हमारी बहनें, इवन छोटे छोटे बच्चे जो दिल्ली की सीमाओं पर सर्दी गर्मी भूख प्यास से लड़ते हुए 3 काले कानूनों को वापस लेने के लिए डिमांड कर रहे हैं और जो बैठे हैं, उनके आह्वान पर जो आज भारत बंद का ऐलान किया गया है, उसमें हम नागपुर के सभी ट्रांसपोर्ट संगठनों के पदाधिकारी उनका समर्थन करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और आपके माध्यम से हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से एक निवेदन है कि 20,000 किलोमीटर दूर जाकर अगर वो विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं, उससे बेहतर 20 किलोमीटर जाके इस देश की जो जनता उनका वेट कर रही है, 10 महीने से क्या उनके कान पर जू नहीं रेंग रही? जो अपने आप को विश्व गुरु बोलता है, जो गोदी मीडिया उनको विश्व गुरु बोलता है, क्या उनको शर्म नहीं आ रही? अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये लड़ाई ऐतिहासिक लड़ाई है, जाने सभी को ऊपर है, चाहे राजा हो चाहे रंग हो। तो माननीय मोदी जी इतना समझ लीजिए कि अगर आपको जाने के बाद अटल जी बनना है
अब्दुल कलाम बनना है, आप चाहते हैं कि लोग आपको उस तरीके से याद करें, तो किसानों की सुनिए, अन्यथा जिस तरह हिटलर को गालियां दी जाती हैं, भविष्य में आपको भी गालियां दी जाएंगी। धन्यवाद। जय हिंद। आज हम लोग जो यहाँ पे संविधान चौक पे एकत्रित हुए नागपुर के अंतर्गत, तो हम आपके मीडिया के माध्यम से माननीय राकेश टिकैत जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, जो उन्होंने इतनी लंबी संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं और किसान का ही बच्चा आज देश की आर्थिक प्रगति स्थिति को चला रहा है। चाहे फ्लाइट का ड्राइवर हो, चाहे ट्रक का ड्राइवर हो, चाहे ट्रेन का ड्राइवर हो, चाहे कार का ड्राइवर हो, ड्राइवर है तो सब सुरक्षित हैं। आज देश का या कोई भी पीएम या कोई नेता जाता है तो आज अपने ड्राइवर पर निर्भर रहता है। आज हमारे रोडों में, सड़कों में इतने ड्राइवरों की दुर्गति हो रही है, जो शासन प्रशासन को समझ में आ रहा है कि भ्रष्टाचार के अड्डे हर जगह बने हुए हैं। चेक पोस्ट, आज चेक पोस्टों में किसान के बच्चे गाड़ी चला रहे हैं, किसान लोग ट्रक लिए हैं, अपनी खेती बाड़ी करके एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश किसान का सामान ले जा रहे हैं। उनको भी ये शासन प्रशासन के गुर्दे सरकारी परिवहन माफिया नहीं चलने दे रहा है। तो मैं तो टिकैत साहब से भी निवेदन करूंगा कि हम किसी भी आरटीओ चेक पोस्ट में टिकैत साहब के साथ धरना देने के लिए मजबूर होंगे, बैठेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी से, परिवहन मंत्री से बार बार निवेदन करता हूँ, एक बार आप अपने देश के किसानों को ख्याल रखें, उनको देखें, फिर आप जाके विदेशों में अपनी अच्छी बात करें। धन्यवाद। तो हमने देखा कि सबौर जो है भारत बंद को जो है प्रतिसाद मिल रहा है, उसी तरह शहर से ट्रांसपोर्ट संगठन द्वारा भी समर्थन दिया गया है। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरे के साथ मैं क्षितिज देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।